गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। जी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अपना नहा धो के हो गया रेडी, बस पूजा करनी है मेरे को। एक मिनट दरवाजा बंद कर लूँ, कूलर की आवाज़ आ रही है। तो गाइस बस पूजा करनी है, मम्मी नहीं आई अभी तो मम्मी की ड्यूटी मैं निभा रही हूँ। और खुशखबरी एक ये भी है कि आज हमारी मम्मी वापस आ रही हैं, मगर एक बात ये भी है कि आना उन्होंने सुबह 6:30 बजे था और बज गए अब 10:30, अब तक वो आई नहीं है और फ़ोन किसी का मिल नहीं रहा, क्या रीज़न है। अब सुनील जी को दोबारा बोल रही हूँ कि कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। और आज डॉक्टर के पास भी जाना है तनिष को लेके, क्योंकि उसकी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उसका चेकअप वगैरह होगा, जो हाथ वाथ देखेंगे डॉक्टर, और उसकी थेरेपी भी होती है जो वो भी करवानी है। आज मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मम्मी आ रही है, तो पीछे से घर पे ताला लगा के जाएंगे तो कहाँ जाएंगी, और सुनील जी इसको लेके जाएंगे। फ़ोन मिला के देख लो यार किसी को। हेलो, चुप चुप हो जा सातवीं फेल। ये मेरे को चुप ही कराए जा रहे हैं और पता नहीं कर रहे कि मम्मी क्यों नहीं आई, क्या चक्कर है, ट्रेन व्रेन क्यों लेट हो रही है। तो जी दोबारा फ़ोन मिला के देखते हैं और अब मैं अपना काम करती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, मैंने क्योंकि पूजा भी नहीं करी अब तक। इस तनिष तो जा रहा है डॉक्टर को दिखाने आज। तो गाइस सुनील जी चले गए हैं तनिष की थेरेपी करवाने और मैंने मम्मी को फ़ोन करा है तो उनका फाइनली फ़ोन मिल गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो कह रही पहुँचने वाले हैं, आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। अब रीज़न तो मैंने पूछा नहीं है, वरना घर आएंगी तभी पूछूंगी भी किस कारण से देर हुई है। तो गाइस फाइनली मम्मी आ गई है और मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ चाय। देख लो जी चाय बन रही है, उनको चाय देते हैं। चाय के बाद ही कह रही है मैं नहाऊंगी धोऊंगी, सिर में दर्द हो रहा है थकावट से। और रीज़न क्या था कि मम्मी घर आके बता रही है कि एक ही पटरी पे 2 ट्रेन्स आ गई थी, तो रात को 3 बजे ये लोग तो सो रहे थे, रात को 3 बजे जैसे की ट्रेन रुकी स्टॉप कर दिया था, और इनको रीज़न बताया कि ट्रेन के आगे पेड़ गिर गया है। 3 घंटे की ट्रेन रात को 3 बजे 3 घंटे ट्रेन इनकी वहीं रुकी रही, ताकि जो है ना पैसेंजर्स पैनिक ना हो, तो उनको ये बहाना लगा दिया अभी पेड़ ट्रेन के आगे पेड़ गिर गया है। बट रीज़न ये था कि एक ही पटरी पे 2 ट्रेन्स आ गई थी, वो तो शुक्र है आमना सामना नहीं हुआ, पहले ही ट्रेन को रोक दिया गया तो हादसा होने से बच गया। मम्मी वही कह रही सारी जगह घूमाए और यहाँ आते आते भगवान ने बचा लिया। तो अब मम्मी को चाय देते हैं। तो गाइस माँ जी की चाय, बिस्किट ले लो अभी तो आप। नहीं है, मैं भी लाई हूँ, फिर रोटी बना दूंगी या परांठी, मैकरोनी मैकरोनी खाओगे तो। यस दादी आ गई आपकी। इतनी खुशी, इतनी माजी कह रही है बड़ी बच, माजी आज बच के आई है। हरी है हमारे टीवी में नहीं आई, ट्रक में कैसे आ गई, 2 गाड़ी समाचार में नहीं नहीं अनु बोला पेड़ गिर गया, पेड़ गिर रहा था वहाँ यात्री उनसे बोलते हैं पेड़ गिर गया, सब शाम बैठे रहो कुछ नहीं होगा। माजी की ट्रेन, इनकी ट्रेन रुकवा दी और एक ट्रेन जो है सामने से आ रही थी, वो पता लग गया कि वो एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन है तो ट्रेन रुकवा दी, नहीं तो एक्सीडेंट बड़ा होता, भ्रम लास्ट। कोई पेड़ वेड़ नहीं गिरा था भाई, बच के आई है मम्मी। भाई खूब सहायता करी भाई, बच के आई है तुम्हारी मम्मी। एक ट्रैक पे 2 गाड़ियां दूसरी गाड़ी आ गई थी, भले इधर से माजी की ट्रेन आ रही है। नो पहले नो बोले कि काजे बाल से भी आके बोला कि वो पेड़ गिर गया, गाड़ी रुकी थी ना तो 3 बजे की बात है, रात में सब सो रहे थे, बोले पेड़ गिर गया पेड़ गिर गया, बोला अभी तो कई टाइम लगेगा बहुत, 3 घंटे लग गए। फिर बाद में पता चला कि दूसरी गाड़ी ट्रक पे आ गई थी। मतलब लोग पैनिक ना हो तो इसलिए बोल दिया पेड़ गिर गया। थेरेपी कराए कैसे हुआ हाथ, सही वीडियो डाल दूंगी अभी, वो नहीं है क्या कह रहा डॉक्टर, क्या कह रहा है हड्डी जुड़ रही है, वो कह रहा है क्रैक है अभी। अच्छा क्रैक है अभी, अरे उसके बाद बुलाया फिर सुसी। 300 रुपए खर्च कराई वहाँ जी, 300 रुपए ले ही दिया, वो है क्या नाम है, हमारे लिए क्या लाए हो ये बताओ पहले आप। केसर ले आई हूँ, केसर सही है, केसर तो सुनील जी को तलब लग रही है चाय की, भाई सब ने लिया। 300 रुपए का केसर, 300 केसर। तो गाइस बनाएंगे चाय, नेपाली नोट $10, $5 थोड़ी है, $10 सीधा दिखाना, अगर यही डॉलर हो 10 का तो 800 रुपए हो गया भाई, आगे 10 रुपए हमारे आगे कितने हैं, ये 5 रुपए तो ऐसे लग रहा है पुराना 2 का नोट हमारा इंडिया का। अरे ये 15 रुपए है, मतलब ये हो गए इंडिया के 4 रुपए, इंडिया के 4 रुपए है ना, इंडिया के, इंडिया के सही जो इंडिया का 1 रुपए वहाँ का कुछ ऐसी है 4 रुपए, 60 रुपए है 100 रुपए के 160, अरे मैं देखता हूँ 100 के 160, 9 रुपए जो सही बताएगा उसको इनाम मिलेगा। इंडिया के
मांगा पैसे, यहाँ भी 10 रुपए दिए तने, यहाँ भी 10 रुपए दिए मेरे को उसने, 9 रुपए का दिए। आप तो अपने पैसे देते होगे ना, इंडिया के देते थे नेपाली के, हमें 500 रुपए नेपाली दे दिए थे, समझ, मगर समझ कैसे है उसके 500 और हमारे 350 काटे थे, 350 के 500 रुपए दे दिए थे। अच्छा, उसने कहा मैं मंदिरों में चढ़ा देना, मंदिरों में चढ़ाए थे, कई 100 रुपए की पर्ची कट रही थी, कई 500, तो इसी की कटवा देते रख ले तुम्हारे थे। ये रख लो। तो गाइस मम्मी सामान लाई है, कुछ शॉपिंग करके आई है। वाओ, केसर, 3 केसर अब इन्हें कैसे लिया, ये एक डब्बी हमारी जिठानी की है और एक डब्बी हमारी है, सब छोड़ो, ये केसर बढ़िया है, बस इसको डालेंगे खीर में। आ रही खुशबू, 100 रुपए की, 100 की तो सही लिया, 300 बोल रहा था, सही है गाइस, खुशबू आ रही है। माँ जी और बताओ, मजा आया, कौन कौन से मंदिर गए आप ये बताओ जरा, बहुत मंदिर, पहले पशुपतिनाथ मंदिर गए, बहुत चीज बताई थी, तो देवी के मंदिर थे, अब नाम तो याद कर, बूढ़ा महादेव, बूढ़ा महादेव, हाँ, बलकेश्वर, नहीं तो नाम याद, हाँ, बढ़िया दर्शन हुए आपके, कौन सा दर्शन, कौन सा जी, बहुत बढ़िया, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ बहुत बढ़िया है, फोटो वोटो खींची आपने, फोटो ना खींचते, हाँ फोटो जो खींच रहे हैं उसी का मोबाइल देते नहीं है, फिर माँ जी लाइए हमारे लिए केसर, आप केसर की कह रही खीर बनाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, भाई वाह, माँ जी हमारे लिए तो कुछ लाए नहीं, धोखा दे दिया आपने, वहाँ गिन्नी के सेट मिलते हैं, वहाँ गिन्नी के सेट मिलते हैं, ओ भाई साहब, ये माला प्रसाद मिली थी, ये माला ले आई है, वाह ये माला तो बढ़िया लग रही, दिखाना रुद्राक्ष की है, तो क्यों मैं भी पहन लूंगी, कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है, नाइस, अब मैं ले लूंगी संन्यास, अच्छी लग रही है, मगर एक मिनट, नाइस, अच्छी लग रही है, लुक आ रही है मेरी साधुओं वाली, आ रही है ना, तो आज से मैं बन गई साध्वी, तो गाइस मैं साध्वी बन गई हूँ और ये साधु बन गए हैं, ये साधु बन गए हैं, तो नाम ले लेंगे दोनों, किसका नाम लेना, गुरु माँ का नाम ले लेते हैं, ठीक है, चले हिमालय, वैसे तो घुमाने ले जाते नहीं है, इस बहाने हिमालय घुमा लो, तनीश माँ जी क्या लाइए इधर, जल्दी जल्दी यार, गिफ्ट लाई है बहुत सारे, फास्ट एम फास्ट आओ, ये 100 रुपए असली, देख क्या लाइए माँ जी, ये कैसी लग रही है बता, माला कैसी लग रही है, ये तो हाथ पहनने का है, ये तन्मय को देंगे, तू नहीं पहनेगा, ये तन्मय पहनेगा, मेरे माला कैसी लग रही है बता, पापा को कह रही हूँ ऐसे तो हिमालय ले जाते हैं, बढ़िया लग रही है, बन गई बने ले चलो, नकली रुद्राक्ष है तो, हाँ मैं नकली को ना, असली है, वहाँ नकली ना मिला भाई, असली है, असली है भाई, असली, माँ जी कह रही है 1000 रुपए की माला है, दिखा लो भाई, वो नहीं है माँ जी, 1000 रुपए की है, एक तन में देना माँ जी, खुश हो जाएगा, दादी कुछ लाई है, तो गाइस मम्मी ले आई है माला, अब ये माला पहन के मैं बन जाऊंगी साध्वी, सब मोह माया है भैया, झाड़ू पोछे वाले ढूंढ लो, मैं नहीं करूंगी खाना बनाने वाली भी ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ हिमालय पहाड़ों पर, मैं चली, मुझे रुके ना कोई। अब मैं माला जपूंगी यही राम हरे कृष्ण, गाइस ये जाते ही नहीं है, मैं इनको छोड़ के जाऊँ, इनका काम कौन करेगा बताओ, इनका झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कौन करेगा, मैं ही करूंगी, तो गाइस मजाक की बातें करते हैं साइड में, अब जस्ट मजाक हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो अब मैं कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी, बिकॉज आज थोड़ा पेट अपसेट है, गड़बड़ हो रही है, तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, वैसे मैंने घिया बनाया वड़ी डाल के, उड़द की दाल की बड़ी जिसे बोलते हैं माँ की दाल की बड़ी, आज वो डाल के घिया बनाया, बड़ा टेस्टी बनता है, मेरा खाने का मन नहीं है वो घिया, मैंने कहा दही खिचड़ी खाऊंगी लाइट खाना, तो अब वो बनाते हैं। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो गाइस हो गई है शाम और आज बना रहे हैं कड़ी पटोड़े, पटोड़े मतलब पकौड़े, आज बना रहे हैं पकौड़े, अभी पकौड़े तल रही हूँ और कड़ी बना रहे हैं, और मम्मी की टॉक चल रही है, कभी अपने मायके में तो कभी अपनी बहनों से और कभी भाइयों से बातचीत चल रही है, बहुत दिन बाद आई है हमने ट्रिप की, बता रही है अभी कैसा मतलब एक्साइटेड ट्रिप था और मज़ा आया, खूब जो है इन्जॉय करा इन्होंने अपने ट्रिप में, और अब बच्चों की फरमाइश पे अच्छा बना दो, दाल नहीं बनानी, दोपहर को घिया बनाया तो किसने खाया ही नहीं, स्पेशली तन में, तो कड़ी बना। हमारे जेठ और जिठानी जी आ गए हैं मम्मी को मिलने और दरवाजा बंद करके बैठे हैं,
एक एक मिनट, केसर का गिफ्ट है बहुओं के लिए। धोखा हो गया हमारी, पैसा दे दिए। बेटों के लिए असली, बेटों के लिए असली सामान लाई है, बहू के लिए नकली। भाई नकली को लाइन में तो अपने जाना नहीं लाए। बेटों के लिए तो असली रुद्राक्ष लाए हो आप। गाइस ये है बहुत सुंदर, ये तन्मय के लिए लाई है माँ जी। मुखी रुद्राक्ष बताओ, सारे पांच मुखी, दूसरे देखो बीच में कोई एक आधा डाल दियो, मैं पांच मुखी चश्मा होगा तो पता चल जाएगा। नहीं है पांच मुखी, पांच मुखी रुद्राक्ष सारे में चेक करो, पहले सारे होंगे जी पांच मुखी। तो आपने क्या पैसे देने हैं? कोई नहीं, और 150 रुपए 100 रुपए ज्यादा, हमारे 350 रुपए, उनके 500 रुपए कह रहे हैं, है ना। हां 100 रुपए 160 रुपए उसमें, उसमें भी मम्मी ने घाटा खाया, कह आगे से आप अकेले नहीं जाओगे, आपको घाटा होता है, मेरे को लेके जाना। सब छोड़ो आप, ये बताओ मजा आया ना आपको? मजा आया। ये है कि वो कहते हैं जो शिव ये लो, अब हम ये दर्शन करके आए, मैं कहा केदारनाथ के दर्शन करोगे जब पूरी होगी। हाँ ये दोनों दर्शन जगह भी है यहाँ था, इसका सिर तो यहाँ पे था, अब जो धड़ है ना वो केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने अब कभी तो जाओ क्या। भैया और भाभी आए थे मम्मी से मिलने, वो चले गए उनसे मिलके, रात के बज गए 12:30। सॉरी हमारा भी सोने का टाइम हो गया है। तो इसी के साथ मम्मी भी आ गई है नेपाल घूम के, और हमारे लिए जो गिफ्ट्स लाई है वो तो आप देख ही चुके हो। माला लाई है, केसर लेके आई है, केसर खीर में डालेंगे और माला कहीं सत्संग वगैरह होगा पहन के चले जाएंगे। आज की वीडियो में यही था, और भी आगे नेक्स्ट मज़ेदार ब्लॉग्स आएंगे। तो आपको यही कहना चाहती हूँ मैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं मज़ेदार नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।